अगली खबर, जहां धमतरी के सरकारी दफ्तरों में कोरोना का कहर जारी है, इससे कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बाहर से आकर लोग अपने कामों को लेकर सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके कारण कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इधर निर्वाचन शाखा, भू अभिलेख शाखा, जल संसाधन विभाग सहित कलेक्ट्रेट, आवाक, जावाक शाखा और अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब इन विभागों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। विभिन्न थानों में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित हो जाने से एक थाने का काम दूसरे थाने से किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। और उनको जिन लोग जो है स्वस्थ पाए गए हैं और जिनके द्वारा जो है होम आइसोलेशन के लिए अनुमति मांगी गई थी, उनके घर का निरीक्षण करके उन्हें होम आइसोलेशन दिया गया और बाकी लोगों को जो है कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अलग अलग अपराध की विवेचना के दौरान और कई कार्यवाही के दौरान भी लोगों के साथ में मिलना या घर से भी जब अपना काम करते हैं तो भी लोगों से मिलने होता है, इससे ये संक्रमण देखने में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, हमें किसी भी आरक्षक या किसी भी स्टाफ के बारे में ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसको आइसोलेट किया जा रहा है और उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट की तुरंत जांच करवाई जा रही है।